बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा दोस्तों, तो भाई हम लोग आज एक और वीडियो बना रहे हैं और वो भी केमिकल पर बना रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि भाई ये जो वीडियो है सिर्फ मैं खैबर पख्तूनख्वा और इंडियन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, इससे कराची का कोई ताल्लुक नहीं है। और सिर्फ ये ऐसी वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़रा फ़रोग मिले, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरा चैनल अच्छा मकसद खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग पसंद करें, इंडिया में भी पसंद करें, तो इसलिए मैं ये बनाता हूँ। ठीक है, तो यार ये कराची वालों के लिए नहीं बना रहा हूँ, और क्योंकि भाई कराची में केमिकल नहीं चलता और हम लोग तो सिर्फ है ना कराची वाले हैं ना, मांझे मांझे से ही उड़ाते हैं। मांझे में मज़ा आता है हम लोगों को उड़ाने में, केमिकल से उड़ाने में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि हम लोग घुमा के लड़ाने वाले हैं। आपने जितने भी देखे होंगे, जितने भी काइट फाइटर होते हैं और जितने भी लोग होते हैं ना, वो सब है ना मांझे से लड़ाते हैं, केमिकल से कोई नहीं लड़ाता। बड़े बड़े जो मुकाबले होते हैं सब मांझे पे होते हैं, केमिकल से नहीं होते, क्योंकि केमिकल की कोई काइट फाइट होती नहीं है, वो बस ऐसे ही होता है बस। केमिकल बस उड़ाने में मज़ा नहीं आता, बस पकड़ के खड़े रहो, और या तो अगर घूमने वाली पतंग होगी तो संभलती नहीं है, गिर जाती है, क्योंकि उस केमिकल में लचक होता है। तो दोस्तों भाई केमिकल से सिर्फ है ना खैबर पख्तूनख्वा में और इंडिया में उड़ाई जाती है, कराची में बिल्कुल नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि कराची वाले को बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर सारे खिलाड़ी होते हैं उड़ाने वाले, और केमिकल से खिलाड़ी कभी पतंग नहीं उड़ाता, वो बस वो मांझे से सूती उन्होंने मांझे से उड़ाता है, क्योंकि उसमें लचक नहीं होती। सूती धागे वाले मांझे से उड़ाता है जिसमें लचक नहीं होती, सद्दी वाला जो धागा होता है उसका जो मांझा तैयार होता है उससे उड़ाते हैं। तो दोस्तों भाई भाई आज हम लोग है ना अब हम लोग आज हम लोग है ना एक नया केमिकल है जिसका बहुत नाम सुना है, ब्लड फाइटर। और ये देख रहे हैं आप, ब्लड फाइटर है ये, सही है ना दोस्तों? तो ये ब्लड फाइटर है और ये TMA कंपनी का है, ये भी TMA कंपनी का है, और इसमें मोर ओरिजिनल है ना, वो भी लगा हुआ है, QR कोड भी लगा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों? तो ये भी थ्री हैंड है, थ्री हैंड बना हुआ है, ठीक है, और ये ओरिजिनल लगा है। तो हम लोग है ना आज इसकी दोस्तों ओपनिंग करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोगों ने ना ये हम लोगों ने ना सब खैबर पख्तूनख्वा में इसकी ओपनिंग की थी शूटर की। इस सबसे पहले हम लोगों ने बुराक की थी और बड़ा मज़ा आया था उधर बुराक में उड़ाने में, और बुराक अच्छा था। इसके बाद शूटर की थी, तो बुराक के मामले में शूटर इतना अच्छा नहीं है, तो ये बुराक से ना शूटर से ना ये बुराक बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ना ये कराची में इसको खोला हम लोगों ने हिटलर को, तो भाई ये शूटर और बुराक से भी अच्छा निकला हिटलर, ठीक है, और अच्छा धागा निकला। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और वीडियो बनाई, हम लोगों ने गेमर खोला, तो भाई हम लोगों ने शूटर बुराक और हिटलर के बाद ये हम लोगों ने गेमर खोला, जो तीनों से अच्छा निकला गेमर, ठीक है। गेमर ये तीनों केमिकलों से बेहतरीन केमिकल निकला, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, देख लीजिएगा। और उसके बाद आज हम लोग है ना आज हम लोग खोलेंगे ये ब्लड फाइटर, ठीक है ना दोस्तों? तो आज हम लोग ब्लड फाइटर खोलते हैं, इसका बहुत नाम सुना है, और ये ओरिजिनल है ये ब्लड फाइटर TMA। तकरीबन मेरे पास है ना चार केमिकल ऐसे हैं जो TMA कंपनी के, ये देखें, ये भी TMA गेमर, बुराक भी TMA, और ये शूटर भी, ये नहीं यार, हाँ ये भी TMA है। तो दोस्तों इन इन सब में से हम लोगों को ना दो केमिकल अच्छे लगे, दो तीनों केमिकल अच्छे लगे, शूटर में इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन आज हम लोग TMA का ये खोलेंगे, TMA का खोलेंगे हम लोग ब्लड फाइटर, ठीक है। तो चलो आइए ब्लड फाइटर खोलते हैं, आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये किस तरीके का केमिकल है। तो दोस्तों भाई हम लोगों ने ये ब्लड फाइटर खोल दिया आखिरकार, मेरे दोस्तों भाई मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है ब्लड फाइटर की, इसलिए आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। वैसे केमिकल तो बहुत मिलते हैं मार्केट में, लोकल भी मिलते हैं, इनकी भी कॉपियाँ मिलती है जो मेरे पास है, लेकिन ये आज आपको मैं ओरिजिनल दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने खोल दिया दोस्तों, ये चारों मेरे पास केमिकल है, चारों ओरिजिनल केमिकल है, ठीक है। तो अब मैंने ये देखो इसका लेबल खोला है सही तरीके से,
और ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये इसमें लिखा हुआ है, देखें, किंग ब्लड फाइटर लिखा हुआ है, TM में लिखा हुआ है कंपनी का, टाई ब्रादर, और थ्री हैंड का एक मोनोग्राम लगा हुआ है, एक QR कोड लगा हुआ है, और 100% ओरिजिनल लिखा हुआ है, ब्लड फाइटर थ्रेड, किंग ब्लड फाइटर। तो दोस्तों, किंग ब्लड फाइटर को चेक करते हैं कैसा है। तो ये हम लोग खोल लें इसको, दोस्तों हम लोगों ने खोल लिया, ओपनिंग कर ली है, और दोस्तों ओए होए दोस्तों, 2000 से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है यार ब्लड फाइटर वाकई यार। और उसमें माल भी देखो कितना ज़्यादा माल है, और इसका वज़न तकरीबन 1 किलो जितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई देखते हैं ये ब्लड फाइटर को चेक करते हैं, ये तो बहुत खतरनाक है भाई। पहले तो इसकी हम लोग लचक देखते हैं कितनी है। लचक तो यार वो जितने केमिकलों में लचक होती है ना, तकरीबन उतनी लचक है सब इसमें भी, तो लचक तो इतनी है। और तोड़ के देखते हैं, हाँ है मजबूत दोस्तों, ये केमिकल बहुत मजबूत भी है, लचक है, लेकिन सबसे कम लचक है ना इसकी थी, गेमर की, ये इसमें लचक ज़्यादा है, लचक है। अब इसको करके देखते, लड़ा के देखते कि किस तरीके का ये होता है। तो ओए दोस्तों, ये तो बिल्कुल मांझे की तरह है, कराची के मांझे की तरह बेहतरीन है यार, बिल्कुल कराची के मांझे की तरह बना हुआ है ब्लड फाइटर। ओए होए ब्लड फाइटर बहुत खतरनाक है यार, ये तो ब्लड फाइटर वाकई यार, इसका जैसा नाम सुना है वैसे केमिकल है ये, ब्लड फाइटर बेहतरीन केमिकल है यार। ओए होए होए, ये देखो करीब से दिखा भाई, बिल्कुल करीब ले आओ, ये देखो दोस्तों मैं काट रहा हूँ, देखो आपके सामने, ये देखो दोस्तों, थोड़ी देर में इसने काट दिया केमिकल यार। दोस्तों ये तो भाई बहुत खतरनाक केमिकल आ गया मेरे पास, ब्लड फाइटर। अब जहाँ तक मेरा अंदाजा है ना दोस्तों, तो भाई इन इन सारे केमिकलों में यार तेज केमिकल तो भाई यही है, इन ये सारे केमिकलों में तेज केमिकल ब्लड फाइटर निकला है, लेकिन ये थोड़ा पतला है, पतला केमिकल है, और ये हिटलर और गेमर थोड़ा मोटे हैं तकरीबन, है ना। अब इसको हम लोग है ना, इस ब्लड फाइटर को हम लोग है ना पहला नंबर देंगे, पहला नंबर इसकी तेज बने पे, वो मोटाई पे, और पतले मांझे में सबसे पहला नंबर इसको देंगे, पतले ब्लड फाइटर में, और मोटे मांझों में सबसे पहला नंबर हम लोग इसको देंगे गेमर को। ठीक है दोस्तों, तो ये भाई आपने देखा, ये एक बार दोबारा दिखाते आपको, काट के दलिया, ओए होए होए दोस्तों, ये देखो दोस्तों कैसा काट रहा है यार, इसका इसका मसाला भी देखते हैं, निकलता है नहीं निकलता है, ओए हो, ये देखो, देखा दोस्तों। तो भाई दोस्तों, मेरे सारे खैबर पख्तूनख्वा वाले दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर बारीक लेना हो ना तो ब्लड फाइटर लेना, और अगर मोटा लेना हो तो गेमर लेना। ठीक है, गेमर और हिटलर दोनों अच्छी चीज़ है, लेकिन गेमर बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो भाई आपने दोस्तों मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियो देखते रहना दोस्तों। मैं ना अपने काइट फाइटिंग में, काइट फ्लाइंग में, और सब चीज़ों में नए नए चीज़ें लाऊंगा, मांझे लाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, तो भाई हम लोगों ने वीडियो बना के दिखाई टेस्टिंग की, केमिकल टेस्टिंग की, और आज हम लोगों ने ना ब्लड फाइटर ओपनिंग की थी, तो मैं ब्लड फाइटर बहुत अच्छा केमिकल है, जिस तरह से इसका नाम सुना है, तो भाई सबसे बेस्ट तो नहीं बोलेंगे, बहुत बेहतरीन है, नंबर वन केमिकलों में से ये केमिकल है ब्लड फाइटर। तो दोस्तों देखा आपने, आज मैंने वीडियो बनाई केमिकल के ऊपर, तो मेरे कराची के कुछ दोस्त होंगे जो नाराज़ हो रहे होंगे, तो दोस्तों मैं ना पूरे सिर्फ कराची के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा दोस्तों के लिए भी मनाता हूँ, क्योंकि मेरी रिहाइश उधर भी है। ठीक है, तो भाई इसलिए आप बुरा नहीं मानेगा, कराची वाले दोस्त, जैसे खैबर का पख्तूनख्वा वालों के लिए बनाता हूँ, और वहाँ से मुझे केमिकल गिफ्ट भी आए हैं, तो इसलिए मैं ना बनाता हूँ यार, उनको वो लोग कहते हैं, तो भाई मैं वीडियो बना के दिखा देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो भाई मेरी वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि है ना मैं जो भी वीडियो बनाऊँ तो आपको वो वीडियो लाजमी, आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिले और आप मेरी वीडियो देखें। ठीक
ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।